जिस शहर में इतनी गंदगी हो उसको तुम राष्ट्रपति अवार्ड दिलवा रहे हो? सर किस चीज का राष्ट्रपति अवार्ड है? सबसे बड़े ऊंचे कूड़ेदान का है यहाँ? शहर के बीचों बीच में इतने बड़ा कूड़े का अंबार लगा हो, उस शहर को राष्ट्रपति अवार्ड मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये निगम बना है तब से तो और पता नहीं कहाँ कहाँ से कबाड़ आने लगे। और यहाँ की स्थिति यह है कि हर घर में एक बीमार मिलेगा। तो कह रहा हूँ उनको वोट मांगने आए ना, ऐसा उनको जूते मारो जाए जब समाधान ही नहीं करवा पाते इन 5-10 सालों से। शहर के बीच बीच में इतने बड़ा कूड़े का अंबार लगा हो, उस शहर को राष्ट्रपति अवार्ड मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि मैं सवाल राष्ट्रपति पर नहीं कर रही हूँ, मगर राष्ट्रपति जी के पास जिसने भी भेजा होगा शहर का नाम, उनको दंड देना चाहिए। जिस शहर में इतनी गंदगी हो उसको तुम राष्ट्रपति अवार्ड दिलवा रहे हो? अरे किस चीज़ का राष्ट्रपति अवार्ड है? सबसे बड़े ऊंचे कूड़ेदान का है या सबसे स्वच्छ का है? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये स्वच्छ भारत मोदी जी वाला है, कौन सा वाला स्वच्छ भारत है, या उत्तराखंड के धामी वाला स्वच्छ भारत है? तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर स्वच्छ भारत ये है तो असली स्वच्छ भारत कैसा है आपका? मोटी मोटी ग्रांट आ रही है इस कूड़े के निस्तारण के लिए, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन घालमेल बहुत बड़ा बताया जा रहा है। वो तो सब जगह, ये तो सब चीज़ के नाम पे पैसा खाते हैं, सब चीज़ के। आप देखिए ना, सब चीज़ कागजों में होती है। धरातल पर इतनी मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, अभी मैंने मंगाई 24 योजनाएं हैं जिसका पैसा आता है, इनका तनख्वाह में जाता है बस। सिर्फ एक एक अगर विभाग में देखेंगे 17 चैनल हैं, 17 इतने सचिव हैं, जितने मंत्री आते हैं उतने पद निकाल देते हैं सचिवालय में। उसके बारे में कई बार आंदोलन भी हुआ, अभी भी आप देखिए एक विभाग के 17 सचिवालय में पोस्ट है, 17 सही, एक एक आदमी बैठता है, उनके फाइल भी एक नाम के अधिकारी, बस सब उनकी तनख्वाहों में गया उत्तराखंड का पैसा, कहीं कोई विकास नहीं। आप देखिए तमाम हरिद्वार के अंदर बाढ़ आई है, आप रुड़की शहर डूबा हुआ है, नदी नालों के नाम पर पैसा आता है। 200 मीटर सड़क का 75 लाख रुपये नाली का खर्चा आया, और वो नाली का रास्ता है ही नहीं। इतने रुड़की से मुझे फ़ोन आते हैं, मगर मैं, मेरे साथ क्या है कि 14 विधानसभाएं हैं, मुझे सब जगह भागना है जो बहुत इमरजेंसी वाला मैटर है। यहाँ से मुझे कई दिन से फ़ोन आ रहा था कि आप यहाँ से लोकसभा लड़ रही हैं, आप हमारी समस्या सुनिए, क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें भाई इतनी गंदी सांस लेंगे। अभी देखने में आ रहा है कि आपको भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं एक एक करके जान गंवानी पड़ रही है, और ये मतदाता हैं, ये वही मतदाता हैं जिन्होंने मंत्री बनाए यहाँ के। इसीलिए कह रही हूँ ना, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगी इस बार जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना तुम्हारे राशन पर मिलेगी इस बार, 1 महीना जो राशन बांटते हो। इस बार घर घर जाओगे ना, आपको हेलमेट पहन के जाना, बता रही हूँ मैं, इस बार हाल जनता बहुत बुरा हाल करने वाली है। और इसी तरह हर विधानसभा की समस्याएं आ रही हैं, जटिल से जटिल समस्याएं, तो मैं उन पर जा रही हूँ और मैं इसी तरह खुलासा करता हूँ। इस समस्या के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? इस समस्या के लिए सरकार से कहना चाहती हूँ, पहले तो ये बताया जाए कि इसमें पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के लिए आ रहा है, और इसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है जी। शहर के बीचों बीच में ये है, इसको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। जब हम जैसे लोग, हमें दम घुट रहा है, तो आम जनमानस कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? ये बड़ा बड़ा ही खराब है, और धामी इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में ले, और किसी ऐसी जगह पर जहाँ आबादी ना हो वहाँ ट्रांजिट क्षेत्र बनाओ, वहाँ कूड़ा घर बनाओ, जंगल एरिया में बना लो, फॉरेस्ट से लीज में ले लो। अरे आदमी को क्यों मार रहे हो भाई? कोई करंट से मार दो, कोई भूस्खलन से मार दो, कोई पुल तोड़ के मार दो, कोई गंदगी से मार दो। अरे मारने में तो लोगे क्या उत्तराखंड की जनता को? कब तक मारोगे, कब तक, ये बताओ। तो कह रहा हूँ उनको वोट मांगने आए ना, ऐसा उसको जूते मारो जाले जब समाधान ही नहीं करवा पाते इन 5-10 सालों से। चुनाव आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, फिर उसका मुद्दा लेके आ जाएंगे, थोड़े दिन में नालियां बनवा देंगे, वो कर देंगे, वो फिर वो काम करा देंगे, पंचर लगवा देंगे, बस जगह किसकी है ये जो यहाँ पर कूड़ा? पता नहीं क्या, हमें भी नहीं इसके बारे में पता है। तो क्या खुली पड़ी थी पहले तुमने कम डलता था, जब से निगम बना है तब से तो और पता नहीं कहाँ कहाँ से कबाड़ आने लगे। एक ट्रैक्टर की फोटो है प्राइवेट की, वो परसों वहाँ डाल के चला गया पीछे। अगर देखा जाए तो एक तरफ तो राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया ऋषिकेश को सफाई के मामले में, दूसरा स्थिति सामने दिखाई दे रही है, ये तो बहुत बढ़िया स्थिति। क्या ये झूठ बोलकर इस तरह के जो अवार्ड लिए जा रहे हैं? वो तो अवार्ड ले रहे हैं, सब कुछ गलत काम तो हो ही रहा है, असलियत ये भी दिखाए ना यहाँ पर भाई, ये भी चीज है। तो उतने खर्चे में तो ये तो पता नहीं कहाँ का चला जाता कबाड़ी है। तो मतलब इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आप लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। नहीं, होता नजर भी नहीं आ रहा, ये कर भी नहीं करेंगे भी नहीं। और यहाँ के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध होता रहता है जी, लेकिन ये समाधान तो कोई निकाल ही नहीं रहे ना। इनको कूड़ा फेंकने की जगह ही मिली हुई है, और इनको
जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोग इनके जूते मार के भगा देते हैं वहाँ से इनको, जहाँ पर जगह जाती है इनको इतना डर है ना, तो प्रशासन को पीछे लेके चलते हैं कि वहाँ से कहते हैं जी समाधान ही नहीं हो रहा वहाँ पर। आप लोग क्यों डालने दे रहे हैं यहाँ पर कूड़ा इन लोगों को, क्या करें यहाँ पर, हम तो यहाँ पर दूसरे लोग भगा देते हैं, आप लोग क्यों नहीं भगाते, भगाते हैं ना ये तो दोपहर आके फिर यहाँ पर गेट खोल देते फिर डालने चालू कर देते हैं। देखो ना अभी रास्ता ये 6 महीने के लिए फिर तैयार कर दिया, देखो पोकलैंड लगी हुई है। अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री वो यहीं से है ऋषिकेश से, और उनसे बात की इस बारे में आपने, वहाँ पर उनके पास तक कोई नहीं जाता, उनको सब पता समझा, वो यहाँ तक आते ही नहीं है यहाँ तक, तो यहाँ तक उनके दो चार सफाई के कर्मचारी है ना जो थोड़े दबंग से बोल लेते हैं, उनको आने की जरूरत क्या यहाँ पर, वो क्यों आए बदबू में, उन्होंने बीमार होने क्या, वो तो बीमार होने वाले मोहल्ले वाले यही रह गए यहाँ पर जो, या आसपास के इधर वाले कोई बोलता ही नहीं है, बस यहाँ के आप आए हो आपके सबके तो नाक बंधे हुए हैं, देखो कितनी बदबू आ रही होगी यहाँ पर। मेरा मकान बिल्कुल कूड़े घर में है और यहाँ की स्थिति यह है कि हर घर में एक बीमार मिलेगा। आप मेरे साथ चलिए, ये भी आई है हमारे साथ आंटी, ये इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, मैं बुला गया बड़ी मुश्किल, ठीक है, लेकिन हमने बड़ी कोशिश करी है, बड़े धरने दिए हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। वो हमें जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी देते हैं ना, धरने पे बैठ गए हम, आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है उठ जाइए, ये 6 महीने में हट जाएगा, ये 11 महीने में हट जाएगा, और कूड़ा यहीं आता है, मेरा ख्याल 10 बजे तक तो 8-10 ट्रैक्टर आ जाते होंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस एरिए में कोई भी आने को खुश नहीं है। इसमें कम से मेरी बात सुनिए आप कहें, इसमें कम से कम मेरे, मैं समझता हूँ कि यहाँ हम बैठ करके बच्चे खेला करते थे, चारपाई बिछा के बैठा करते थे, शाम के टाइम में बड़े आराम से रहते थे, और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे ये स्थिति बन गई, इस रोड से कोई निकलना पसंद नहीं करता, कोई नहीं करता पसंद यहाँ से, वो कहते हैं कि बहुत अभिशाप है, मेरे घर में खुद बीमार है, 13 ऑपरेशन हो गए हैं उसके, और बहुत स्थिति ख़राब है उसकी, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब बोला नहीं जा रहा है यहाँ पे, मुंह पे हाथ रख के बोलने का मतलब, मैं आपने वो बोला हुआ है कि कपड़ा मत रखो, नहीं मैंने कपड़ा रख के मुंह में बात करूँगा आप, तो स्थानीय प्रतिनिधि संज्ञान नहीं ले रहे हैं, स्थानीय प्रतिनिधि सब संज्ञान ले रहे हैं, उनके मेरे को लग रहा बस की बात है नहीं है, मेयर साहब की भी बस की नहीं है, हटाने को तो हर कोई हटाना चाहता है कूड़ा, मुझे लगता है किसी की बस में नहीं है ये कूड़ा हटाना, मुझे तो उम्मीद ही हार चुके हैं हम लोग गोविंद, प्रशासन का आपके द्वारा कोई नोटिस, कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी उम्मीदें हैं, देखो अब कब हटता है, कब तक उम्मीद को हटेगा कुछ कह नहीं सकता, मतलब समस्या का समाधान, समस्या का कोई समाधान नहीं है।